गुड मॉर्निंग गाइस, मेरी किचन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको बताने वाली हूँ कढ़ाही मटन। इसके लिए मैंने करीब 800 ग्राम ये मटन के पीसेस मैंने, देखिए ये मटन 800 ग्राम ये मटन मैंने लिया है। इसमें करीब 200 ग्राम मैंने प्याज कट कर लिया है। प्याज मैं जब भी मटन कढ़ाई मटन बनाती हूँ तो प्याज उसमें मैं मोटे मोटे स्लाइस की काटती हूँ। ये हमारा लहसुन अदरक एवं काली मिर्च का पेस्ट है, मैंने अंदाज से ले लिया है। ये हमारी लाल मिर्च पेस्ट, कश्मीरी लाल मिर्च जो ज़्यादा तीखी भी नहीं होती है। और ये हमारी हल्दी पाउडर और ये हमारे सारे खड़े गरम मसाले, जिसमें बड़ी इलायची, छोटी इलायची, दालचीनी, दो सूखी लाल मिर्च, दो बेली लीफ, तेज़पत्ता एंड जीरा एंड खड़ी काली मिर्च। आइए सबसे पहले हम, मैंने पहले से कढ़ाई को गर्म करके रखा हुआ है। सबसे पहले हम कढ़ाई में तेल डालेंगे। ये हमारी कढ़ाई में तेल जल गई। जब तेल कुछ गर्म हो जाएगा तो ये हमारे, मैंने थोड़े से ये क्रश करके काली मिर्ची रखी हुई है एंड दालचीनी, ये सारे खड़े गरम मसाले। अभी तेल गर्म नहीं हुआ है। सबसे पहले ये हमारा तेज पत्ता, ये देखिए हमारा मसाला भून करके तैयार हो गया है। फिर इसमें हम नमक डालेंगे। नमक भी स्वाद के अनुसार डालेंगे। इसके बाद ये अपने सारे मटन को कढ़ाई में डाल देंगे। देखिए ये हमारे मटन, उसके बाद इसको ढक कर, सीम आँच करके ढक करके इसे करीब आधे घंटे के लिए एज इट इज छोड़ देंगे। देखिए ये हमारा मीट अच्छी तरह से भून के तैयार हो गया। आइए इसे सर्व करते हैं। इसे मैंने आधे घंटे 45 मिनट तक मैंने ढक के छोड़ दिया। उसके बाद जब प्याज में मीट अच्छे से गल गए तो मैंने इसे अच्छी तरह से भून लिया। इसे आप चावल या रोटी किसी के भी साथ खा सकते हैं। मैंने ये इसे चावल या रोटी किसी के भी साथ खा सकते हैं। गाइज, अगर मेरा ये कुकिंग चैनल पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।